अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जेके बोपी की तरफ से। बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सेकंड राउंड यहाँ पे अनाउंस हो चुका है और काउंसलिंग की नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुकी है। मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि 8 या 7 या 8 को आपको सेकंड राउंड की नोटिफिकेशन डेफिनेटली आ जाएगी और उसके बाद 10 और 11 आपकी आयुष की चलेगी, 9 और 10 आयुष की चलेगी, 11 या 12 से आपकी काउंसलिंग जो है वो डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगी और दूसरा राउंड जो है वो डेफिनेटली आपका होगा। तो उसी तरह से आज यहां पे 8 जनवरी है और आज यहां पे नोटिफिकेशन आ चुकी है। यहां पे आप देख भी सकते हैं, डेट भी देख सकते हैं, सब्जेक्ट भी आप ऊपर देख सकते हैं, कंडक्ट ऑफ सेकंड राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग फॉर अपग्रेडेशन और अलॉटमेंट ऑफ सीट्स एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल। मैंने आपको उसी वीडियो में बोला था कि फिजिकल काउंसलिंग रहने वाली है, ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं रहने वाली है, ऑफलाइन रहेगी, क्योंकि पिछली बार जब फर्स्ट राउंड ऑनलाइन रहा था उसमें काफी ज्यादा मसले हुए थे स्टूडेंट्स को भी और सिलेक्शन लिस्ट बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा एरर्स वगैरह आए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंसलिंग आपकी 12 जनवरी से शुरू हो रही है, थर्सडे से शुरू हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पे आपको 22 जनवरी को ख़त्म हो जाएगी। रैंक 1 से लेके रैंक 8551 तक के कैंडिडेट्स को काउंसलिंग में यहाँ पे जाना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको काउंसलिंग के लिए यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपको शेड्यूल भी दिख रहा होगा कि मतलब किस टाइम को किस कैंडिडेट को जाना है, सब कुछ यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आप 14 जनवरी को देखें, इसमें रैंक 1 से लेके रैंक 8551 तक को जाना है। यहाँ पे उसके साथ से यहाँ पे आप देख भी सकते हैं आगे रैंक 1 से लेके रैंक 4500 तक के कैंडिडेट्स को 9 बजे से लेके 10 बजे जाना है, आरबीए कैटेगरी कैंडिडेट्स ओनली, मतलब कि 14 को जो है वो सिर्फ आरबीए वालों को जाना है। उसके बाद 12 को जो कैंडिडेट्स मतलब है 12 जनवरी को जो है एससी एसटी कैंडिडेट्स ओनली, उसके बाद जेकेपीएम पीएसपी एससी एसपी एएलसी आईबी कैंडिडेट्स ओनली एक्सक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस एंड आरबीए, यानी कि एससी एसटी और ओएससी जो है कैंडिडेट्स, उसके साथ साथ जिनके पास जेकेपीएम पीएसपी उसके बाद एससी एसपी एएलसी आर आईबी है उनको यहां पे जाना है 12 जनवरी को। उसके साथ साथ 14 जनवरी को यहां पे आरबीए वालों को जाना है, 16 जनवरी से यहां पे सारे कैंडिडेट्स को यहां पे जाना है। तो इस काउंसलिंग को मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए आप ये देख लीजिए कि आपका जो सेकंड राउंड है उसकी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ चुकी है और रैंक 1 से लेकर रैंक 8551 तक के कैंडिडेट्स को काउंसलिंग में जाना है। उसके साथ साथ अपग्रेडेशन वगैरह की क्या प्रोसेस रहने वाली है, मतलब बाकी जो यहाँ पे इसमें आपको दिख रहा है डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये आपको अभी समझ नहीं आ जाएगा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अपग्रेडेशन का प्रोसेस भी समझाऊंगा और काउंसलिंग का सारा कुछ मैं आपको समझाऊंगा और उसके साथ साथ जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं वो सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। तो फिलहाल का जो ये बड़ा अपडेट था, बीएससी नर्सिंग का सेकंड राउंड होने जा रहा है 12 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लो। यहां पे शायद थर्ड राउंड होने के काफी कम चांसेस है, शायद यहां पे थर्ड राउंड नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को खत्म कर लेंगे, इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।